गैस मेरे पास है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 SD। इसका डिजाइन जैसे अच्छा है, इसमें अच्छा अच्छा फीचर्स भी है। अगर आपने ये फोन परचेस कर लिया, अगर आप ये फोन परचेस करने के लिए सोच रहे हो तो ये वीडियो आप एंड तक देख लीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो में इसका कुछ हिडन फीचर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ऐसे भी दोस्तों ये जो फोन आता है 2GB रैम के साथ, अगर आप चाहते हो तो इसमें और 2GB रैम को बढ़ा सकते हो, टोटल जो रैम हो जाएगा 4GB रैम। तो रैम को बढ़ाने के लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, थोड़ा सा स्क्रॉल करके आना होगा स्पेशल फंक्शन के ऊपर, और यहाँ पर मेन फंक्शन दिखाई देगा, यहाँ पर टैप करना होगा। इस ऑप्शन को आप ऑन कर लीजिए, सेट वर्चुअल रैम दिखाई देगा, इसमें आप अप टू 2GB रैम को बढ़ा सकते हो। इसमें इंटरनेट स्पीड मीटर का फीचर्स मिलता है, जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गए स्टेटस बार में कितना स्पीड दे रहा है वो दिखाई देगा। इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, थोड़ा सा स्क्रॉल करके आना होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऊपर, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्टेटस पर नेटवर्क स्पीड डिस्प्ले। इस ऑप्शन को आप ऑन कर लीजिए। आप फोन को लॉक या अनलॉक करने के लिए पावर बटन को इस्तेमाल करते हो, लेकिन इस फोन को मैं प्रो यूजर की तरह यूज करता हूँ, इसलिए तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले के ऊपर जब मैं डबल टैप करता हूँ फोन लॉक हो जाता है, और लॉक स्क्रीन में डबल टैप करता हूँ फोन का लाइट तुरंत ऑन ऑफ हो जाता है। ये जो ऑप्शन है ऑन नहीं रहता है, इसको ऑन करने के लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, और यहाँ पर स्पेशल फंक्शन दिखाई देगा, यहाँ पर टैप करना होगा। एक्शन एंड जेस्चर्स दिखाई देगा, यहाँ पर टैप करना है। टैपिंग विक दिखाई देगा, इस ऑप्शन को आपको ऑन करना है। अब देख सकते हो इस फोन को मैं नेविगेशन बटन में यूज कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हो तो जेस्चर्स में इसको यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, सिस्टम में क्लिक करना होगा, और यहाँ पर नेविगेशन दिखाई देगा, जेस्चर्स नेविगेशन दिखाई दे रहा है, इसको आपको सिलेक्ट करना होगा। थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगा उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इस फोन में जैसा जो है वो स्मूथली काम कर रहा है, इसमें जिटर नहीं दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो वाटर ड्रॉप नॉच के आसपास में एक लाइट दिखाई दे रहा है, ये जो लाइट है हार्ड टाइम ऑन रहता है, कोई भी मैं एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ ये लाइट ऑफ नहीं होता है, जो देखने में काफी प्यारा सा लगता है। अगर आप चाहते हो तो आपके फोन में भी इस लाइट को ऑन कर सकते हो। इसको ऑन करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक्स को अप्लाई करना होगा, मेरा डिस्क्रिप्शन को आप चेक करिए, एक एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा जिसका नाम है रिंग रिंग एप्लीकेशन, बहुत ही छोटी एमबी का एप्लीकेशन है लेकिन आपका फोन को एक बेहतरीन लुक देगा। अब जल्दी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, आगे का जो सारा प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ। जब आप पहली बार इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे ऐसा कुछ इसका होम स्क्रीन दिखाई देगा, ऊपर की तरफ एक बटन है इसको आपको ऑन करना होगा, ऑन करने के बाद राइट साइड की तरफ एक सर्कल आ जाएगा, उस सर्कल को इस कंट्रोलर के जरिए वाटर ड्रॉप नॉच के आसपास में फिट करना होगा, थोड़ा ऊपर में कर दीजिए। अगर फिट नहीं होता है तो ऊपर की तरफ जो बार है इसको अप एंड डाउन करके आप फिट कर सकते हो। इसके बाद आपको कलर को चूज करना होगा, इसलिए यहाँ पर आपको टैप करना होगा, और यहाँ पर आप सिंगल कलर जो ऑप्शन है इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कलर को चूज करने के लिए यहाँ पर टैप करना होगा, RGB ये दिखाई देगा, इसको अप एंड डाउन करके आपका मनपसंद कलर को आप सिलेक्ट कर सकते हो। कलर सिलेक्ट हो जाने के बाद हैच के बाद एक कोड आ जाएगा, इस कोड को आपको कॉपी करना होगा, उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करना होगा, आउटर रिंग कलर दिखाई देगा, जो कोड आपने कॉपी किया था यहाँ पर आकर आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करना है, आपका काम जो यहाँ पर खत्म हो जाता है, ये जो लाइट है हार्ड टाइम ऑन रहेगा और आपकी फोन को एक बेहतरीन लुक देगा। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करना चाहते हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, रिंग रिंग एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। इसमें 2GB रैम है इसलिए तो दोस्तों फोन थोड़ा सा स्लो में काम करता है। अगर आपको लग रहा है आपके फोन में एक ऐसे एप्लीकेशन मौजूद है जो बैकग्राउंड में रैम को यूज करता है, इंटरनेट को यूज करता है, तो उस ऐप को बैकग्राउंड में किल करने के लिए तो इस फोन में एक फ्रीजर करके एप्लीकेशन मिलता है, इसको आपको ओपन करना होगा। यहाँ पर ऐड आइकन में क्लिक करके जो एप्लीकेशन आपकी बैकग्राउंड में इंटरनेट को यूज करता है, रैम को यूज करता है, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए, ये पर फ्रीजर में ऐड हो जाएगा। जब आप एप्लीकेशन को क्लोज करोगे बैकग्राउंड में रैम को भी यूज नहीं करेगा और इंटरनेट को भी यूज नहीं करेगा, उसके वजह से आपका फोन और भी फास्ट होगा। इस फोन में फ्रंट साइड में और बैक साइड में फ्लैश लाइट मिलता है, अगर आप चाहते हो दोनों फ्लैश लाइट को सेम टाइम में ऑन करने के लिए आप ऑन कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर फ्लैश लाइट का जो आइकन है यहाँ पर टैप एंड होल्ड करके रखना होगा, और यहाँ पर 360 डिग्री फ्लैश लाइट दिखाई देगा, यहाँ पर टैप करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो पीछे की तरफ फ्लैश लाइट जल रहा है और ऊपर की जो फ्लैश लाइट है वो भी जल रहा है सेम टाइम में। इस फोन में स्क्रीनशॉट लेने का बहुत सारा तरीका है, आप वॉल्यूम का डाउन बटन और पावर बटन को सेम टाइम में प्रेस करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये छोड़कर आप यहाँ पर 3 फिंगर को डाउन करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऊपर की तरफ जो स्टेटस बार में स्क्रीनशॉट का शॉर्टकट दिखाई देगा, यहाँ पर आप टैप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो 3 फिंगर स्क्रीनशॉट ये जो ऑप्शन है डिफॉल्ट ऑन नहीं रहता है, इसको ऑन करने के लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ स्पेशल फंक्शन दिखाई देगा, यहाँ पर टैप करना होगा। एक्शन एंड जेस्चर्स दिखाई देगा, यहाँ पर भी टैप करना होगा। यहाँ पर है टेक स्क्रीनशॉट विथ 3 फिंगर्स, तो इस ऑप्शन को आप ऑन कर लीजिए। आप फोटो को एडिट करने के लिए बहुत सारा एप्लीकेशन को यूज करते हो,
लेकिन दोस्तों इस फोन में डिफॉल्ट आपको फोटो एडिटिंग का फीचर्स मिलता है। दोस्तों आपको पहला यहाँ पर गैलरी एप्लीकेशन में आना होगा और आप फोटो को चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद यहाँ पर एडिट ऑप्शन देखा देगा, यहाँ पर टैप करना होगा और यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर फिल्टर्स आपको अप्लाई होते दिखाई देगा, तो आपकी मर्जी से आप फिल्टर्स को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये छोड़कर दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा शॉर्टकट दिखाई देगा, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर वाटरमार्क लगा सकते हो, फ्रेम का साइज आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, बुके भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, तो आपकी मर्जी से आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हो। इसमें इन्फिनिक्स के डायलर आता है, इसके वजह से कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट सुनाई नहीं देता है। तो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करने के लिए आपको आना होगा सीधा डायलर की तरफ और यहाँ पर आपको सेटिंग्स के आइकन में टैप करना होगा और यहाँ पर दिखा देगा ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, इस ऑप्शन को आप ऑन कर लीजिए। इस फोन में स्मार्ट स्क्रीन ऑन का फीचर्स मिलता है। मान लो आपका फोन लॉक होकर ऐसे टेबल में पड़ा रहता है, उठाओगे तो स्क्रीन का लाइट तुरंत वाइक ऑफ हो जाएगा और आप आराम से फोन को अनलॉक करके यूज कर सकते हो। ये जो फीचर से ऑन नहीं रहता है, इसको ऑन करने के लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ। स्पेशल फंक्शन दिखाई देगा, यहाँ पर टैप करना है। एक्सेंट एंड जेस्टर्स दिखाई देगा, यहाँ पर टैप करना है। स्मार्ट स्क्रीन ऑन दिखाई देगा, इस ऑप्शन को आप ऑन कर लीजिए। आपकी फोन में डिफॉल्ट लॉक स्क्रीन में यहाँ पर नोटिफिकेशन बार चला आता है। मान लो आपका फोन चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है, तो जिस बंदे के पास फोन रहेगा वो आराम से आपका इंटरनेट को डिसेबल कर सकता है, तो आपका फोन ना पाने का चांस 90% हो जाता है। तो आप जल्दी से जो ऑप्शन है इसको डिसेबल कर दीजिए। इसके लिए दोस्तों आपको आना होगा सीधा नोटिफिकेशन सेंटर के ऊपर और यहाँ पर मोर सेटिंग्स में क्लिक करना होगा। यहाँ पर स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन दिखाई देगा, ये दोनों ऑप्शन को आप ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, जब मैं स्वाइप डाउन करता हूँ तो यहाँ पर नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर नहीं आ रहा है। इस फोन में आप बहुत ही आराम से OTG को कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक सेटिंग को आपको ऑन करना होगा OTG को कनेक्ट करने से पहले। तो इसके लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके आना होगा मोर कनेक्शन के ऊपर। OTG दिखाई देगा, इस ऑप्शन को आप ऑन कर लीजिए। उसके बाद जब आप OTG को कनेक्ट करोगे आपका OTG सपोर्ट ले लेगा। इसमें डार्क थीम का फीचर्स मिलता है, तो इसको ऑन करने के लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऊपर आना होगा और यहाँ पर डार्क थीम दिखाई देगा, इसको आप ऑन कर लीजिए। अगर आप चाहते हो तो इसको आप शेड्यूल करके यूज कर सकते हो। अगर आप डार्क थीम में फोन को यूज करोगे तो आपका बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा। आप चाहते हो जब आपके फोन में इनकमिंग कॉल आए, रिंगटोन के साथ साथ आपका फोन प्राइवेट करना स्टार्ट कर दे, तो इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन में क्लिक करना होगा। थोड़ी सी स्क्रॉल करके आना होगा, प्राइवेट फॉर कॉल्स दिखाई देगा, यहाँ पर नेवर प्राइवेट है, आप ऑलवेज प्राइवेट कर दीजिए। इसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। आपके डिवाइस में बहुत सारा एप्लीकेशन है, अगर आप चाहते हो कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन को डिसेबल करने के लिए आप नोटिफिकेशन को डिसेबल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर आपको आना होगा नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में, और जो जो एप्लीकेशन आपके डिवाइस में इंस्टॉल है यहाँ पर दिखाई देगा, उसको आप आराम से यहाँ पर नोटिफिकेशन जो आता है उसको आप डिसेबल कर सकते हो सिंगल क्लिक में। इस फोन में वन हैंड मोड का फीचर्स मिलता है, आप आराम से फोन को वन हैंड में यूज कर सकते हो। तो इसका शॉर्टकट यहाँ पर ऊपर में देखने को मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप पेंसिल आइकन में क्लिक करके आप इंसर्ट कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इसका डिस्प्ले का साइज जो है छोटा हो गया है, आप आराम से फोन को वन हैंड में यूज कर सकते हो। स्क्रीन को अगर आप चाहते हो तो राइट टू लेफ्ट में आप यहाँ पर स्विच कर सकते हो। बहुत बार ऐसे होता है, हम लोग ट्रैवल करते हैं, हमारे पास पावर बैंक भी नहीं रहता है, चार्जर भी नहीं रहता है, हम लोग चाहते हैं फोन का बैटरी बैकअप ज्यादा मिले, तो दोस्तों इस फोन में एक फीचर्स मिलता है। तो आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर पावर मैराथन दिखाई देगा, यहाँ पर टैप करना होगा, यहाँ पर पावर बूस्टर दिखाई देगा, इस ऑप्शन को आप ऑन कर लीजिए। आपका बैटरी बैकअप जितना मिलता है उससे आपको 2 गुना आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद कुछ चीज का आपको लिमिटेशन मिल जाएगा, जैसे कि डार्क थीम ऑन हो जाएगा, बहुत सारा ऑप्शन ऑफ हो जाएगा, उसके वजह से आपको बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा। इसमें फाइंड माय डिवाइस का फीचर्स मिलता है, इसको ऑन करने के लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर सिक्योरिटी में आना होगा, यहाँ पर फाइंड माय डिवाइस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आकर आपको पहला रजिस्ट्रेशन करना होगा। मान लो आपका फोन गलती से गुम हो जाता है तो आप इस ऑप्शन के जरिए आराम से फोन को ट्रैक कर पाओगे। आप चाहते हो जब आपके फोन में इनकमिंग कॉल आए, रिंगटोन के साथ साथ आपका फोन का जो फ्लैशलाइट है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर दे, तो इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको डायलर में क्लिक करना होगा, यहाँ पर सेटिंग्स में क्लिक करना होगा और यहाँ पर देखा देगा फ्लैश फॉर कॉल्स, तो इस ऑप्शन को आप ऑन कर लीजिए। मान लो आप कॉल में बात कर रहे हो, आपको लग रहा है आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहिए, वो भी किसी को पता नहीं चले, तो आप फिंगरप्रिंट के आइकन में सिंगल टैप करोगे तो आपका कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको डायलर में क्लिक करना होगा, सेटिंग्स के आइकन में क्लिक करना होगा और यहाँ पर दिखाई देगा एडवांस सेटिंग्स, यहाँ पर है रिकॉर्ड कॉल्स यूज फिंगरप्रिंट, तो इस ऑप्शन को आप ऑन कर लीजिए। अगर आप फोन को ज्यादा यूज करते हो तो इस फोन में IKR का फीचर्स मिलता है, तो इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऊपर आना होगा
आई केयर दिखाई देगा, इस ऑप्शन को आप ऑन कर लीजिए। और इसका जो कूल टोन है आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हो। इसको अगर आप चाहते हो तो शेड्यूल करके यूज कर सकते हो। ज्यादातर आप रात में यूज करना आपकी आंखों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों ये तो था कुछ हिडन फीचर्स जो इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 एचडी में है। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।